हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद बाढ़ जंगल रोपा के गांव शेर बुनौनी में सांसद अनुराग ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ता एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में जिला परिषद बाढ़ के सभी 14 पंचायतों के प्रधान उप प्रधान उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त पार्टी पदाधिकारी और मतदान केंद्र व ग्राम केंद्र अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से इस बार के आम बजट में ग्रामीण क्षेत्रों किसानों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों पर सभी उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। इसके अतिरिक्त हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए इन 4 वर्षों में जो काम मोदी सरकार ने करवाए हैं और विकास योजनाएं दी हैं, उनके लिए केंद्र सरकार और सांसद अनुराग ठाकुर का धन्यवाद करते हुए उपस्थित लोगों ने कहा कि जो आजादी के 70 वर्षों में नहीं हो पाया है वो अनुराग ठाकुर ने कर दिखाया है। स्थानीय लोगों ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए सांसद का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब इस इलाके को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, जो कि कांग्रेस राज में निम्न स्तर पर पहुंच गई थी। इस मौके पर सांसद ने उपस्थित लोगों की समस्याओं को भी सुना और उनको जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में स्थापित भाजपा की दोनों कार्य बेहतर काम कर रही हैं। केंद्र की जिन योजनाओं को प्रदेश सरकार ने 5 साल लटकाए रखा, प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही उनको तीव्र गति से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को 5 साल कांग्रेस राज में जमीन भी उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन भाजपा सरकार बनते ही सिर्फ 45 दिनों में मेडिकल कॉलेज के नाम जमीन स्थानांतरित करके इस सत्र से कक्षाएं बिठा दी जाएंगी। कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति भी शुरू की जा चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।